हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके करियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट का भी पढ़ाया जा रहा है, श्वसन यानी रिस्पायरेशन। और इसके जितने भी इसमें मतलब पॉइंट्स था, जितने भी इसके टॉपिक्स था इस चैप्टर का, वो सबको हम लोग समझ लिए हैं। और आज की क्लास में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कलेक्शंस है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग समझने वाले हैं सिस्टमेटिक। लगभग 25-30 क्वेश्चन को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर कहा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग सामान्यतः कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन में होता है। तो देखिए, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के पाचित भाग पहले कोशिकाओं द्वारा अवशोषित किया जाता है, और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है पचकर ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सामान्यतः ग्लूकोज का ही ऑक्सीकरण करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है। तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का ही ऑक्सीकरण करके और सामान्यतः एनर्जी जो है प्राप्त किया जाता है। फिर कहा जा रहा है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, श्वसन जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अपचयी अभिक्रिया है, या आप चाहें तो चूंकि श्वसन से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की भी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का डॉट होता है, यानी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज का क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। आप अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाए, ऑप्शन में अगर ऑक्सीकरण विघटन दिया है तो हम विघटन भी लिख सकते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया किस कोशिकांग से शुरू होती है। तो देखिए, दो प्रकार का श्वसन होता है, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन दो चरणों में होती है, जो शुरू होती है कोशिका द्रव्य से और संपन्न हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अवायवीय श्वसन में केवल कोशिका द्रव्य में ही श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है। बट यहाँ पे डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है, वायु और अवायवे की नाम नहीं है, पूछा जा रहा है कि कहाँ से शुरू होती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कोशिका द्रव्य से। क्या लिखेंगे? कोशिका द्रव्य से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है, यानी कोशिका के किस अंग में संपन्न हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो फिर इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और आप सबको पता है कि यहाँ पे कोशिका का अंतिम चरण संपन्न होता है, और यहीं पे जो एनर्जी क्रिएट होता है अधिक मात्रा में, यहाँ एनर्जी संचित भी रहता है, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिकीय ऊर्जा गृह भी कहते हैं। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर होगा कोशिका द्रव्य में, क्योंकि अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में ही मात्र एक ही चरण में संपन्न हो जाता है। तो इसका आंसर होगा कोशिका द्रव्य में। और वैसे भी अवायवीय श्वसन सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई नहीं जाता है, तो इसलिए कोशिका द्रव्य में ही सारी प्रोसेस संपन्न हो जाती है। किस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो देखिए, श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का एक और नाम है, इसको ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है, और वायवीय श्वसन में ही ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अवायवीय में पूरा पूरा नहीं बल्कि उसमें आंशिक ऑक्सीकरण होता है। अब इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, श्वसन वायवीय श्वसन में एटीपी के कितने अणु तथा अवायवीय श्वसन में एटीपी के कितने अणु संचित हो जाते हैं। तो देखिए, कोई भी श्वसन की प्रक्रिया जब हम करते हैं तो उसमें एनर्जी जो संचित होता है वो एटीपी अणुओं में संचित होता है। तो वायवीय श्वसन में चूंकि अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए वायवीय श्वसन में लगभग 36 एटीपी के अणु और अवायवीय श्वसन में एटीपी के लगभग 8 अणु जो है संचित हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। किस क्रिया द्वारा पौधे श्वसन गैसों का, यानी किसी भी प्रकार के गैसों का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका वायुमंडल से कोशिकाओं के बीच आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा करते हैं? तो इसका आंसर होगा विसरण यानी डिफ्यूजन की क्रिया द्वारा। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं, मतलब क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा रंध्र। पौधों के पत्तियों वगैरह में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको रंध्र कहते हैं, और इसी रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान जो है किया जाता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। तो देखिए, ये निर्भर करेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए ही
पेड़ पौधे जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना होता है तो रंध्र खुल जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आते ही रंध्र बंद हो जाता है। फिर उसके बाद जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ऑक्सीजन मुक्त करना होता है वायुमंडल में, तो फिर रंध्र खुलता है। तो जितना तेजी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, रंध्रों का खुलना और बंद होना भी उतनी ही तेजी से होगी। तो ये इसी क्रिया पर डिपेंड करता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विघटन, 12 नंबर, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विघटन किस अम्ल के रूप में होता है? तो हम आपको बताए थे कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु पाइरुवेट अम्ल के दो अणु में टूट जाता है, यानी अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विघटन जो है पाइरुवेट अम्ल के रूप में हो जाता है। फिर कहा जा रहा है कि पौधों के टहनियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? पौधों के टहनियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो देखिए पत्तों में जो छोटे छोटे छिद्र होता है उसको रंध्र कहते हैं, और टहनियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को वात रंध्र कहा जाता है। तो ये 13 क्वेश्चन हम समझे। आइए अभी कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं। 14 नंबर का रहा, हमारे शरीर में किस अम्ल के जमाव के कारण दर्द और पीड़ा उत्पन्न होता है? तो हम आपको बताए थे कि जब हम ऑक्सीजन के अभाव में सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियों में एक अम्ल का जमाव हो जाता है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल, और इस लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही दर्द और पीड़ा जो है उत्पन्न होता है। कर तिलचट्टा और टिड्डा में श्वसन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? मतलब तिलचट्टा में आप देखेंगे, टिड्डा में देखेंगे, तो श्वसन के लिए विशेष अंग कौन सा पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ट्रैकिया। इनमें ट्रैकिया के द्वारा ही श्वसन की क्रिया जो है संपन्न हो जाती है। मछलियों में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग कौन होता है? तो आपको पता ही है, मछलियों में श्वसन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है गिल्स, और ये जो गिल्स होता है कुछ थैली जैसी रचना के अंदर पैक रहता, बंद रहता, उस थैली जैसी रचना को गिल कोष्ठ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन है, गिल्स जिस थैली में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा गिल कोष्ठ। मनुष्य के नासा गुहा में कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो आपको हम बताए थे सलेस्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो चिपचिपी होती है, गीली होती है, जिसके कारण शरीर के बाहर से आए हुए धूल कण इसमें चिपक जाते हैं, तो इसमें सलेस्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य का दायां और बायां, मतलब नाक में जो दायां और बायां नसिका अवयव है दो, और ये दोनों एक दूसरे से अलग होता है, तो बीच में एक पट्टिका है जिसको हम बोलते हैं नासा पट्टिका, जिसके माध्यम से ये दोनों एक दूसरे से पृथक होता है, अलग होता है। निश्वास, निश्वास का मतलब सांस छोड़ना, निश्वास से निकली वायु में सामान्यतः क्या होता है? तो आप सबको पता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने, ये दोनों की प्रक्रिया को मिलाकर हम क्या कहते हैं? तो इसको याद रखना है श्वासोच्छ्वास। मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने दोनों को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर का आ रहा है कि मनुष्य में जो ट्रैकिया पाया जाता है वो मनुष्य के ट्रैकिया में पाया जाता है वो मतलब किस प्रकार? तो ट्रैकिया में हम लोग देखे थे कुछ इस प्रकार की रचना वलय के रूप में, लेकिन ये पूर्ण वलय नहीं था, अपूर्ण वलय था, और वो भी उपास्थियों का बना हुआ, मतलब मुलायम हड्डियों का। तो हम कहेंगे उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। मनुष्य के ट्रैकिया में क्या होता है? उपास्थि से बना हुआ अपूर्ण वलय होता है। 23 नंबर का आ रहा है, नासा गुहा के आगे स्थित घुमावदार रास्ता को क्या कहते हैं? मतलब जो हमारा नाक है उसके आगे जो घुमावदार रास्ता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा नेसोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? नेसोफेरिंग्स जो है इसको कहा जाता है। फिर कह रहा है मनुष्य में कितने फेफड़ा पाया जाता है, मतलब हम मनुष्य में कई गो फेफड़ा होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा दो। मनुष्य में दो फेफड़ा पाया जाता है, हालांकि हार्ट की बात करेंगे अगर दिल का तो एक ही होता है, लेकिन फेफड़ा दो पाया जाता है। हमारे शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो आपको हम बता चुके हैं हीमोग्लोबिन के माध्यम से श्वसन गैसों का परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन जो कहाँ होता है? आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में उपस्थित होता है इसी के माध्यम से श्वसन गैसों का परिवहन होता है। 26 नंबर का आ रहा है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? तो देखिए ये हीमोग्लोबिन की अगर बात किया जाए तो हीमोग्लोबिन जो है ये जब ऑक्सीजन से मिलता है तब क्या बनता है, और फिर क्वेश्चन में पूछ रहा कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर निर्माण करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
और फिर जो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर और निर्माण करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। तो अब इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में श्वसन जो चैप्टर था इससे रिलेटेड हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्रिपेयर करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट का सी, यानी नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा और चैप्टर का नाम है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, उसको स्टार्ट करेंगे और सिस्टमैटिक उसके सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे।